हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको 1989 में आई ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी मैंने प्यार किया का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरुआत होती है एक गाँव से, जहाँ पे एक बाप और बेटी हंसी खुशी रहते हैं, जिसमें से उसकी बाप का नाम रहता है करण और उसकी बेटी का नाम रहता है सुमन। तब सुमन जो है वो इंटर में टॉप करती है और वहाँ के रहने वाले रहीम चाचा उसके लिए मिठाई लेके आते हैं। और वो जो रहीम चाचा है वह सुमन के पापा करण के लिए शहर में एक काम देखता है, जो कि वहाँ अच्छा खासा पैसा देता है, क्योंकि सुमन के पापा को सुमन की शादी भी करानी थी, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। इसलिए वह शहर जाके थोड़ा पैसा कमाना चाहता था, लेकिन उसके लिए चिंता की बात ये थी कि सुमन को वह गांव में अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वह अगर शहर कमाने के लिए चला जाए तो सुमन अकेली पड़ जाती। तब वह फैसला करता है कि उसका दोस्त जो शहर में रहता है सुमन को वह उसके पास छोड़ेगा, जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता। फिर वह सुमन को अपने दोस्त के बारे में बताने लगता कि कैसे उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, पढ़ने का उसे बिल्कुल मन नहीं था, और उसका दोस्त जो है वह पढ़ाई में ही उलझा रहा था और वह बड़ा बनने का सपना देखता था, और उसके पापा करण जो है वह उसके हर काम में मदद करता था। और देखते ही देखते उसका दोस्त बिजनेस करने लगा और पूरा अमीर बन गया, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करने की वजह से वह वहीं की वहीं रह गया। और कुछ समय बाद उसके दोस्त की शादी हो जाती है और उन सबका एक बेटा होता है। उसके बाद करण सुमन को शहर लेके आ जाता है उसके दोस्त के घर किशन के यहाँ। करण सबसे मिलके तो बहुत खुश होता है, लेकिन किशन जो है वह करण से मिलके उतना ज्यादा खुश नहीं होता है, क्योंकि वह अब बहुत ही अमीर हो चुका होता है, बस ऐसे ही कैजुअली फ्रेंड की तरह ही मिलता है। उसके बाद अगले सुबह वो सभी लंच करते हैं, जिसमें से हमें किशन के दोस्त रंजीत और उसकी बेटी सीमा को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और ये जो रंजीत रहता है वो उसका दोस्त जरूर रहता है, लेकिन वह अपनी बेटी की शादी उसके बेटे प्रेम के साथ करवाना चाहता है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को वह हासिल कर सके। उसके बाद वह जैसे ही लंच करके जाता है, उसके बाद हमें प्रेम के जिगरी दोस्त यानी उसके बचपन के दोस्त मनोहर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसे कि खाने का बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, लेकिन वह प्रेम के पापा यानी किशन से वो बहुत ज्यादा ही डरता है, जिसके कारण किशन जब घर से चला जाता है तब वह चोरी छुपे आके खाना खा लेता है। और सीमा मनोहर को अपना भाई मान लेती और उस मनोहर को काम करने वाली लड़की बहुत ही ज्यादा पसंद करती, लेकिन मनोहर उसे कुछ वैल्यू नहीं देता यानी कुछ भाव नहीं देता है। उसके बाद सीमा के पापा वहाँ से चले जाते हैं शहर काम करने के लिए। उसके बाद हमें प्रेम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि अमेरिका में रहकर पढ़ाई करता था, और वह उसी दिन वह शहर आ रहा था और उसके पापा किशन उसे लाने जाते, लेकिन प्रेम को रेसिंग का बहुत ही ज्यादा शौक रहता है और वह जब भी आता है अपने पापा से वह रेस करके ही घर आता है। उसके बाद प्रेम जो है वह रेसिंग करके सबसे पहले घर पहुंचता है और उसे बाथरूम लगा हुआ रहता है और वह बाथरूम में चला जाता, लेकिन सीमा वहां पे आ जाती और वहीं पे उन दोनों का पहला मुलाकात होता है। उसके बाद प्रेम सुमन को फ्रेंड का टोपी देता है, उसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद अगला सीन में प्रेम और मनोहर अपने रूम में बैठ के सिगरेट पीते हैं, लेकिन उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों पकड़ाने वाले रहते हैं। तब सुमन आरती लेके वहाँ पे आ जाती और वो दोनों को बचा लेती और उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। उसके बाद प्रेम और मनोहर टेबल टेनिस खेलते हैं, तब प्रेम सुमन को टेबल टेनिस खेलने के लिए बोलता है। तब उसी समय सुमन को उसके पापा का लेटर आता है, लेकिन सुमन का आंख में उसके पापा का लेटर देख के आंसू आ जाता है और वह अपने कमरे में आ जाती है, और यही देख के प्रेम और मनोहर उसे मनाने के लिए आ जाते हैं, उसके कमरे में चले जाते हैं, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। और जब प्रेम और सुमन साइकिलिंग के लिए जाते हैं तो प्रेम की वजह से सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वह सुमन को घर लेके आता है और वह उसे दवा लगा देता है, और इन दोनों की दोस्ती ऐसी हो जाती है कि मानो ये दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है, और यह दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। तब सीमा प्रेम को अपने पार्टी में लेके जाती है, जिसमें सीमा का भाई भी वहाँ मौजूद रहता। उसके बाद सीमा का भाई जीवन जो है वह एक कबूतर को गोली से मारने का कोशिश करता है, लेकिन सुमन जो है उस कबूतर को बचा लेती, उसे मारने नहीं देती है। और उसी समय जीवन का बुरा नजर सुमन पे पड़ जाता है और वह सुमन को अकेला पाके वह उसे जबरदस्ती करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रेम को पता चल जाता है तो वह सीमा की भाई की पिटाई कर देता है। लेकिन सीमा का भाई जो है और वह इन दोनों की दोस्ती को बहुत ही बुरा भला बोल देता है, ये दोनों दोस्त ही नहीं हो सकते, क्या कोई एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं? तब प्रेम को एहसास होता है कि यह दोस्ती नहीं बल्कि प्यार है। उसके बाद प्रेम जो है वह सुमन को एक लव लेटर लिखता है, जिसके बाद रिप्लाई में भी सुमन उससे प्यार का
इजहार करती। उसके बाद से इन दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। उसके बाद प्रेम सुमन को घूमने के लिए लेके जाना चाहता, लेकिन सुमन किसी न किसी काम का वजह से वह नहीं जा पाती और प्रेम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वह अपनी माँ से बोलता है कि उसकी शादी करा देने के लिए ऐसे ही मजाक से, ताकि सुमन थोड़ा सा जल जाए। और वह अपनी माँ को अपनी पसंद की लड़की बताता है, यानी जैसी सुमन रहती है बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ बताता है। और प्रेम खाना भी नहीं खाता है, जिसकी वजह से सुमन भी खाना नहीं खाती है। लेकिन इसी बीच वो सभी अंतराक्षी खेलते हैं और सुमन जो है वो प्रेम को आई लव यू बोलती है। तब जाके वह थोड़ा खुश होता है और सुमन उसे खाना खिलाती है। लेकिन खाना खिलाते हुए प्रेम की माँ देख लेती है और वह सब कुछ समझ जाती है। लेकिन इसी बीच सीमा को प्रेम और सुमन का प्यार के बारे में पता चल जाता है। वह अपने पापा रंजीत से जाके यह बात बोल देती है और रंजीत किशन को बाला फुसला देता है कि करण अपनी बेटी सुमन को जानबूझ के यहाँ पे छोड़ के गया था, ताकि वह तुम्हारे बेटे को फंसा सके और इस जायदाद का मालिक बन जाए। तब वह सभी प्लान बनाते हैं कि वह प्रेम को किसी तरह वह बाहर भेज दे, ताकि वह सुमन को अपने घर से निकाल सके। और वह ऐसा ही बिल्कुल करते हैं। वह प्रेम को किसी बिजनेस के लिए वह बाहर भेज देते हैं और वह सभी अगले ही दिन सुमन को बहुत ही बुरा भला बोल देता है। लेकिन इसी बीच प्रेम की माँ उसका खूब सपोर्ट करती है, लेकिन वो सभी प्रेम की माँ का एक भी नहीं सुनता है। और उसी समय सुमन के पापा आ जाते हैं और किशन जो है वह करण को भी बहुत बुरा भला बोल देता है और बहुत ज्यादा बहस हो जाता है। तब करण अपनी बेटी को लेके वह गांव चला जाता है। लेकिन प्रेम जैसे ही वहां से लौटता है और उसे यह पता चलता है, तो वह सारा घर बार छोड़ के, अपने सारा बिजनेस छोड़ के वह सुमन के वहां चला जाता है, यानी सुमन के गांव चला जाता है। लेकिन सुमन के पापा करण वह इससे बिल्कुल खुश नहीं होते। वह उस बेजती को भुला हुआ नहीं रहता और वह प्रेम को सुमन से मिलने नहीं देता है, उसे चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन प्रेम भी बहुत ही जिद्दी रहता है, वह जाने का नाम नहीं लेता और वह सुमन के पापा को बहुत ज्यादा मनाने का कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा नहीं मानते। लेकिन एक बार वह थक हार के वह प्रेम से बात करने को राजी हो जाता है और वह प्रेम को बोलता है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे मेरा औकात पूछा था कि तुम महीना 5,000 कमाते हो, अपनी औकात में रहो। आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी क्या औकात। और वह बोलता है कि तुम महीने के 2,000 कमाओ तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और प्रेम यह शर्त मान लेता है और वह रहीम चाचा के यहाँ जाता है काम के लिए। और रहीम चाचा के पास एक लॉरी ड्राइवर रहता है, जो कि अपने काम में बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता है, वह बहुत ही अब्सेंट करता है, उसका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। वह उसे हटा के प्रेम को उस काम में लगा देता है। लेकिन इसी से वह आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह प्रेम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है कि इससे कैसे बदला लूं। तो प्रेम जब काम कर रहा होता है तब वह उसका लोरी ले जाता है, लेकिन प्रेम उसे रोकता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाता है। लेकिन रहीम चाचा आता है और उस आदमी को खूब डांटता है। तब प्रेम के प्रति उसका लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाता है और प्रेम को महीने के 2,000 कमाने, इसलिए वह एक्स्ट्रा काम करता है पत्थरों को तोड़ने का। उसके बाद मनोहर भी सुमन के पापा करण के यहाँ आ जाता है प्रेम से मिलने के लिए और वह प्रेम से मिलता है और उसे 5,000 रुपये देता है, जो कि प्रेम की माँ ने प्रेम को देने के लिए मनोहर से कहा था। लेकिन प्रेम बहुत ही खुददार आदमी रहता है और वह उसका पैसा नहीं लेता है और बोलता है कि मैं अपने से 2,000 रुपये कमाना चाहता। उसके बाद मनोहर वापस आता है और वह प्रेम के पापा किशन को बहुत ही बुरा भला बोल देता है, यानी ऊंची आवाज में वह बोल देता है कि आपका बेटा इतना तकलीफ से है और आप इतने चैन से कैसे हो। तब उसके पापा के आंख में आंसू आ जाता है और वह प्रेम से मिलने के लिए वह निकल पड़ता है। और वह जब प्रेम से मिलता है तो वह बोलता है कि मेरे साथ वापस चलो, लेकिन प्रेम जाने से मना कर देता है। उसके बाद अगला सीन में दिखाया जाता है कि रंजीत करण के पास जाता है और उसे अपनी तरफ करने का कोशिश करता है, ताकि वह किशन से बदला ले सके, यानी वो दोनों मिल के किशन से बदला लेंगे। लेकिन करण इस बात पे बिल्कुल एग्री नहीं होता है और वह रंजीत को एक जोरदार तमाचा मार देता है, जिसके बाद से रंजीत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से फिर चला जाता है। उसके बाद प्रेम का एक महीना पूरा हो जाता है और वह 2,200 रुपये कमाता है। तब वह 2,000 अपने पास रखता है और 200 वह रहीम चाचा को दे देता है और वह हंसी खुशी सुमन से मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। लेकिन रास्ते में रंजीत का बेटा जीवन और जिसका ट्रक था वो आदमी रास्ते में खड़ा रहता है प्रेम को जान से मारने के लिए। और इस काम में रंजीत, उसका बेटा जीवन और उसकी बेटी सीमा भी शामिल रहती है। और जैसे ही प्रेम पहुंचने वाला रहता है तो वे सभी रास्ता रोक लेते हैं और प्रेम का पैसा छीन लेते हैं। तब प्रेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह किसी तरह उन सभी से पैसा छीनता है और अपने जूते में रख लेता है। उसके बाद वह उन सभी की पिटाई कर देता है। लेकिन इसी बीच जीवन गाड़ी लेके आता है और प्रेम को ठोकर मार देता है और प्रेम एक नदी में जाके गिरता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। उसके बाद रंजीत जो है वो किशन को बहला फुसला देता है कि तुम्हारे बेटे को करण ने मार डाला है। उसके बाद वह वहां से किसी तरह बच के वह सुमन के यहाँ
पहुंचता है और सुमन के पापा करण से मिलता है और उसे 2000 रुपए देता है। लेकिन सुमन के पापा करण उनसे ये बोलता है कि इन पैसों का कोई मोल नहीं है क्योंकि ये भीग के फट चुके हैं। लेकिन इसी बीच सुमन भी बोलती है कि आपको ये पैसे दिखाई दे रहे हैं, इसकी मेहनत नहीं। और उसके बाद प्रेम भी बोलता है कि मैं फिर से कमाऊंगा, मुझे एक महीने का मोहलत दीजिए। तब सुमन के पापा करण उसका ऊपर दया आ जाता है और वह उसे अपना लेता है। उसके बाद अगले ही दिन प्रेम के पापा किशन आ जाते हैं रंजीत और उसके बेटे के साथ और साथ में कुछ गुंडे लेके आते हैं करण को मारने के लिए। लेकिन वे सभी जैसे ही प्रेम को जिंदा देखते हैं तो फिर प्रेम उन सभी की सच्चाई बता देता है कि इसके बेटे जीवन ने उसे मारने का कोशिश किया है। तब इसी बीच रंजीत किशन से बंदूक छीन लेता है और उन सभी को मारने का कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच उन सभी में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती और सभी कोई मिल के उन सभी की पिटाई कर देता है। लेकिन इसी बीच जीवन सुमन को लेके गाड़ी में भाग जाता है और तब प्रेम साइकिल से उसका पीछा करता है। उसके बाद वह गाड़ी एक पहाड़ी से टकरा जाता है और इसी बीच सुमन गाड़ी से निकल के वह खाई में लटक जाती है और प्रेम उसे बचाने के लिए रस्सी पकड़ के कूद पड़ता है। और इसी बीच जीवन रस्सी काटने की कोशिश करता है लेकिन कबूतर उस पे हमला कर देता है और फिर वह खाई में जाके एक पेड़ से लटक जाता है। उसके बाद सुमन के पापा करण और किशन दोनों रस्सी पकड़ के प्रेम और सुमन को ऊपर खींच लेता है और जीवन उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कबूतर उसे फिर से हमला कर देता है और वह नीचे गिर के मर जाता है। लेकिन करण किशन से अभी भी खफा रहता है और इसी बीच किशन करण से माफी मांगता और करण उसे माफ कर देता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और दोस्तों अगला वीडियो आप किस मूवी पे देखना चाहेंगे इसका भी जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।